अस्सलाम दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलें दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल राना दानी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक छोटा सा घंटी का निशान आएगा, आपने उस पर भी क्लिक कर लेना है ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप उससे जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेस्ट वीडियोज़ और इसके अलावा मोबाइल की फ्री इंटरनेट ट्रिक्स और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो अपने चैनल पर डेली अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है माई डिवाइस। सॉरी मैं एक मिनट अपना कीबोर्ड चेंज कर लूँ। तो ये हमारा कीबोर्ड चेंज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है माई डिवाइस। तो सिंपली दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे ये वाली एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। 1 मिलियन डाउनलोड है, 4.7 की रेटिंग है जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है, आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा आप इसका इंटरफेस देख लें, आपने यही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इसे ओपन करना है। मैंने इसको पहले से कर रखा है डाउनलोड, तो यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। तो सिंपली दोस्तों ये तब यूज़ आप कीजिएगा जब आप कोई नया मोबाइल ले रहे हो, तो उसमें ये एप्लीकेशन एक दफ़ा ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। तो उसकी जितनी भी दोस्तों आपकी डिवाइस की होगी, जो भी आप जिस भी डिवाइस में भी ये इंस्टॉल करेंगे उसकी डिवाइस की जितनी भी स्पेसिफिकेशन होगी और जो जो उसमें फंक्शन होंगे ये एप्लीकेशन आपको शो कर देगी। उसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप अपनी डिवाइस के मुकम्मल हर चीज़ की डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे डिवाइस OS, तो OS जो है दोस्तों यहाँ पर मेरा मोबाइल जो है वो लॉलीपॉप है 5.1 इसका वर्जन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बैटरी के मुताबिक भी आप देख सकते हैं कि आपकी मोबाइल की बैटरी की कंडीशन क्या है, उसके अलावा कौन सी टेक्नोलॉजी है बैटरी की। तो मेरी यहाँ पर लाइन बैटरी, पावर सोर्स बैटरी और उसके अलावा आप टेम्परेचर वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज, स्टोरेज आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मोबाइल की कितनी स्टोरेज है, कितनी फ्री है और कितनी यूज़ हो चुकी है। रैम के मुताबिक आप यहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप नेटवर्क पर क्लिक करें तो आपको बता देगा कि आपका मोबाइल का नेटवर्क कौन सा है और इसके अलावा कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, 3G या 4G। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करके सेंसर के मुताबिक यहाँ से देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितने सेंसर और कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो मेरे मोबाइल में यहाँ पर 3 सेंसर हैं, तो वो तीनों के तीनों एक्टिवेट हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप कैमरा के मुताबिक पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के कौन सा कैमरा है और कितने मेगापिक्सल का और कौन कौन सी इसमें जो आपको फंक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक्ट वगैरह आप सारा कुछ अपने मोबाइल के कैमराज के मुताबिक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फीचर्स, यूज़र ऐप कि आपके मोबाइल में कौन सी ऐप आपने खुद इंस्टॉल की है और सिस्टम ऐप में आपके मोबाइल में पहले से जो ऐप थी उनके मुताबिक भी आप यहाँ से डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है दोस्तों, आपको आपके मोबाइल के मुकम्मल हर चीज़ के बारे में डिटेल देगी। उसके लिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन छोड़ दिया था CPU, तो CPU पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रैम के मुताबिक दोस्तों हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल की कितनी रैम है और कितनी रैम आपने यूज़ कर दिया और कितनी दोस्तों आपके मोबाइल में रैम जो फ्री है उसको आप उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर चीज़ अपने मोबाइल डिवाइस के मुताबिक देखने को मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको आपके मोबाइल में कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा तो ये एप्लीकेशन आपको उन सब के बारे में बताएगी। तो दोस्तों यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।